श्रीलंका के खिलाफ आया रिंकू सिंह का तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया T20 सीरीज का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला, जहां पर भारतीय टीम पूरी की पूरी हार के कगार पर खड़ी थी, क्योंकि भारतीय टीम के चार खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज चार ओवरों के भीतर ही आउट हो गए थे। जी हां, आप सभी को बता दें 99% भारतीय टीम इस मुकाबले को हार चुकी थी, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाने वाले हैं, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। आप सभी को बता दें भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 4, ऋतुराज गायकवाड़ 6, अभिषेक शर्मा 21, तो वहीं सुमन गिल नौ रन बनाकर के आउट हो गए, क्योंकि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी ज्यादा गलत और खतरनाक भारतीय टीम के लिए साबित हुआ। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो यहां पर श्रीलंका के गेंदबाज खुशी से काफी ज्यादा उछलने लगे, शायद उन्हें लगा कि भारतीय टीम अब 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन फिर रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोकने शुरू कर दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाती रही। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह काफी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह को रोकने के लिए यहां पर श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह ने काफी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर श्रीलंका के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। श्रीलंका के गेंदबाज दौड़कर रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18 छक्के और 24 चौके ठोक दिए, जहां पर रिंकू सिंह ने अकेले अपने दम पर 348 बनाकर के भारतीय टीम को जीत दर्ज दिलाई।